तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जैन गेमिंग, लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2.0 अपडेट के अंदर कुछ एक दो न्यू इंप्रूवमेंट्स के बारे में। तो गाइस 2.0 अपडेट हमारे पास आ रही है 15 मई तक, और गाइस 2.0 अपडेट के अंदर हमारे पास आ रहा है एक न्यू मोड जिसका नाम होने वाला कोर सर्कल। तो गाइस उसके अंदर पबजी मोबाइल वालों ने, BGMI वाले ने गाइस उसके अंदर रिकॉल टावर खत्म कर दिया है, जो कि गाइस काफी सारे लोगों को इसका काफी ज्यादा दुख होने वाला है, लेकिन गाइस काफी सारे लोगों को खुशी भी मिलेगी, काफी ज्यादा लोग आजाद हो जाएंगे जिन लोगों का सिर्फ इतना ही काम होता था इन गेम में कि गाइस उन्हें सिर्फ रिकॉल टावर के पास जाके बैठ जाना, जैसे दूसरे टीममेट मरेंगे तो उनका काम होता था सिर्फ उनको रिकॉल करना। तो गाइस अभी के लिए वो भी लोग आजाद होने वाले हैं, वो भी अपनी गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन गाइस रिकॉल टावर तो खत्म कर दिया गया गेम के अंदर से। लेकिन गाइस उसी के साथ साथ हमें एक और बहुत अच्छा न्यू इंप्रूवमेंट की है, एक बहुत ही अच्छा एक न्यू फीचर मिला, वो गाइस क्या आने वाला है मैं आप लोगों को आगे जाके भी प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इसलिए गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप लोगों को हर एक चीज की ठीक से समझ आ जाए। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि गाइस आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोस आने वाली है जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो गाइस मैं आ चुका हूं 2.0 अपडेट के कोर सर्कल के मैप के अंदर। तो यहां पे गाइस मैं आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हो, गाइस हमारा बिल्कुल छोटा सा मैप होने वाला है, 62 बंदे ही इसके अंदर खेल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पबजी वाले ने मैप का एक हिस्सा इस गेम में दे दिया जिसके अंदर गाइस हम अपनी गेम प्ले कर सकते हैं, और गाइस आप लोग इस मैप के अंदर रैंक पुश भी कर सकते हो जो कि गाइस काफी ज्यादा जल्दी मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आप लोग बार बार मैच खेल के तो यहाँ पे गाइस आप लोग बहुत ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हो, अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हो। तो गाइस मैं आप यहाँ पे मेन पॉइंट पे उतरा हूँ जहाँ पे गाइस एक बोट यहाँ पे मुझे किल कर देगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे टीममेट ने यहाँ पे इसको किल कर दिया, लेकिन गाइस मैंने अपने टीममेट को बोला कि मुझे यहाँ पे किल कर दो। तो गाइस आप लोग देखना यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे किल होता हूँ तो गाइस मैं यहाँ पे कैसे रिकॉल होता हूँ आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे किल हो चुका हूँ। तो गाइस जैसे मैं किल हुआ गाइस एक सेकंड के अंदर अंदर मैं यहाँ पे दोबारा से प्लेन के अंदर पे बैठ गया और यहाँ पे गाइस मैं दोबारा से रिकॉल हो चुका हूँ। तो इसका मतलब हुआ गाइस पबजी वाले ने यहाँ पे मैप के अंदर आप लोग देख सकते हो रिकॉल टावर तो खत्म कर दिया, लेकिन गाइस उन्होंने रिकॉल जो है वो खत्म नहीं किया। कि इसका मतलब जैसे गाइस अगर आप लोग किल होते हो गाइस आप लोग ऑटोमेटिकली पबजी वालों की तरफ से रिकॉल हो जाओगे। और गाइस हमारे पास ये काफी ज्यादा न्यू अच्छा फ्यूचर होने वाला गाइस, आप लोग जैसे किल हो गए आप लोग दोबारा से रिकॉल होकर ऑटोमेटिकली दोबारा से उन एनिमीज पर जाकर रिवेंज ले सकते हो। ये गाइस आप लोगों को इन गेम में काफी ज्यादा न्यू एडवांटेज देखने को मिल जाएगा ये रिकॉल जो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि गाइस पहले आप लोगों को अपने टीम मेट के तरले करने पड़ते थे, रैंडम स्क्वाड के जो बंदे होते थे उनके तरले करने पड़ते थे मुझे रिकॉल करो रिकॉल कर दो, लेकिन गाइस कई दफा ऐसा होता था कि एक ही बंदा बचता था टीम का, लेकिन गाइस जैसे वो रिकॉल की तरफ जाता था तो गाइस वो उधर बंदे उसको किल कर देते थे। लेकिन गाइस अभी के लिए आप लोगों को उनके तरले करने की जरूरत नहीं, उनको कहने की जरूरत नहीं है, गाइस आप लोग ऑटोमेटिकली पबजी की तरफ से उसी टाइम एक सेकंड के अंदर आप लोग दोबारा से रिकॉल हो जाओगे, और ये गाइस आप लोगों को एक ही लाइफ मिलेगी, एक ही आप लोगों को चांस मिलेगा। तो गाइस ये तो था अरेंगल का। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या पता ये अरेंगल का कुछ ग्लिच वगैरह हो, तो गाइस मैंने यहाँ पे लिविक मैप लगा लिया, तो मैंने सोचा लिविक मैप के अंदर भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस लिविक के अंदर अभी के लिए यहाँ पे रिकॉल टावर यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि गाइस ये बीटा का लास्ट वर्जन अपडेट नहीं है, जैसे गाइस ये बीटा का लास्ट वर्जन अपडेट आ जाएगा तो उसके बाद गाइस इसके अंदर से रिकॉल टावर खत्म कर दिए जाएंगे। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं मैप के अंदर आ गया तो गाइस मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो खुद को किल कर ले, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस जैसे मैं रिकॉल टावर की तरफ जा रहा था तो गाइस मेरा टीममेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पानी के अंदर ही किल हो चुका है। तो गाइस जैसे ही वो किल हुआ उसी टाइम गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक सेकंड के अंदर अंदर गाइस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉल हो चुका है, क्योंकि गाइस इससे पहले मैंने अरेंगल में अपने ऊपर ट्राई किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी अपने टीममेट के ऊपर ट्राई किया जाए। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइफ प्रूफ पे गाइस वो दोबारा से यहाँ पे रिकॉल हो चुका है, लेकिन गाइस अभी के लिए आप लोगों को यहाँ पे रिकॉल टावर यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन गाइस इनका कोई फायदा नहीं है। मैंने इनके पास जाकर यहाँ पे ट्राई किया लेकिन इनका ऊपर कोई भी रिकॉल वगैरह का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि गाइस बीटा की लास्ट अपडेट आने के बाद इनको भी इधर से खत्म कर दिया जाए, और ये गाइस आप लोग सिर्फ इसी न्यू मूड कोर सर्कल के अंदर ही इस तरह रिकॉल हो सकते हो। बेशक गाइस आप लोग लिविक खेलो या अरेंगल खेलो सिर्फ कोर सर्कल के अंदर ही गाइस आप लोग इस तरह रिकॉल हो सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी गाइस 2.0 अपडेट के न्यू रिकॉल फीचर के ऊपर। गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और साथ ही साथ गाइस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि गाइस उन लोगों को भी इस न्यू फीचर का पता चल सके, उन लोगों का भी फायदा हो सके। और साथ ही साथ गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस न्यू वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिनसे गाइस आप लोगों का काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ साथ आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।